पूरा महासागर है हमारे पास, ताकि थोड़े लेट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं उनको। चिको स्कूटी 2 बज रही है और बारिश चालू हो गई है, हम सब जने जाग रहे हैं। बाहर का फ्लैश आपने देखा ही होगा, मैं चुपचाप यहीं बैठ के देख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत फटती है, मेरे तो बहुत डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल रात की बारिश के बाद तो क्या ही रात की नींद निकली है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए थे और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही थी और फ्लैश चारों तरफ था, फ्लैश आ रहा था। मेरे को फ्लैश से बहुत ज़्यादा डर लगती है, जो ये बिजली कड़कती है ना उससे बहुत ज़्यादा डर लगती है, तो उसी चक्कर में रात को सीसी ना सो पाया और पूरी रात से लाइट्स भी नहीं थी, तो इन्वर्टर थोड़ा थोड़ा चला था, पंखे से ही आज तो काम चला है, चला तो क्या, मैं तो ठीक है तो भी सो गई, चिकू तो सोए ही नहीं है पूरी रात, तो आज थोड़ा लेट उठे हैं हम सब जने। और मौसम की पहली बारिश वो भी रात को, देखने ही नहीं मिली है, देखी पर इन्जॉय नहीं कर पाए, बाकी दिन में होती तो इन्जॉय करते हैं ना, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब तो बारिश चालू ही है और इस तरह से डराती ही रहेगी मुझे तो। तो मैं हो चुकी हूँ कंप्लीट रेडी, और ब्रेकफास्ट तो आजकल मैं कुछ ले ही नहीं रही हूँ, तो एक फ्रूट ही कुछ काट के अभी खा लेती हूँ और ये रूम में थोड़ा रीअरेंज कर देती हूँ, जो कि पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। मेरे रूम में क्या 4 पिलोज रहते हैं, तो 4 पिलोज में एक पिलो का ऐसा रहता है, और हमको थोड़ा सा कहीं फंक्शन में जाना है, तो वो अटेंड करके आ जाऊँगी, फिर अपन लंच वगैरह प्रिपेयर करते हैं। मैं फंक्शन अटेंड करके आ गई हूँ और अभी हमने लंच बना दिया है, और लंच में आज बना है टमाटर वाली मसूर की दाल, क्योंकि खट्टा वाली बनाई थी मैंने थोड़े दिन पहले, टमाटर वाली मसूर की दाल, चावल और ये चपाती, और आज थोड़ा आटा कम बंधा है, रोटियां भी कम बनी है, क्योंकि आज वोल्टेज नहीं आ रहा है, कल रात को बारिश होने की वजह से तो चक्की भी चालू नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से छोटी छोटी रोटियां बनाई है, बस सेट कर दिया है, तो कम खाने मिलेगा, ऐसा नहीं है मैं खा लूँगी कम, बस आप पूरा खाना। तो अभी मैं ले चुकू और मेरा दोनों का लंच लगा देती हूँ, और हम दोनों लंच करके फिर मैं चली जाऊँगी शॉप पर, वो उनके काम पर, मम्मी को भी फ़ोन कर देती हूँ, मम्मी पास में गए, ये गाना गा रहा था तो मैंने तुझे देखा। अभी जस्ट हुआ है हमारा खाना और मैंने साड़ी भी चेंज कर दी है, साड़ी थोड़ी मोटी थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो थोड़ा भी सही लग रहा है, और कल जो बारिश गिरी है उसकी वजह से क्या ही गर्मी है, यानी बहुत ज़बरदस्त। रेस्ट हो चुका है, अब जा रहे हैं शॉप पर, और चिकू को बुलाया है, चिकू आ रहे हैं लेने मुझे। बाय बाय कर दो। मेरा मुझे रखने आई है। आना नहीं है अंदर? अंदर नहीं आना? ना घर जाना है, सोई सोई करनी है, बोल दो। सोई सोई? बाय कर दो, बाय कर दो। एक पागल दो। बाय बाय। तो अभी हम घर पे आए थे कुछ काम से, वापस से चिकू को ऐसे धूप में घुमा रही हूँ, और उमस, आई एम स्ट्रगलिंग विद नेल पेंट बिकॉज रूटे हाथ से पेंट करना मुश्किल है बाबा। अभी मैं फ्री ही बैठी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना नेल पेंट लगाई जाए, बिकॉज कि मैं नेल पेंट लगाने के लिए अभी बैठी हूँ और कलर लगा रही हूँ मैं डार्क रेड, क्योंकि बहुत सारे इसमें कलर्स अवेलेबल है, आपकी जो इमेजिनेशन है, मुझे ये वाला कलर चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर वही कलर मिलेगा, एक शेड में आपको इतने सारे शेड्स मिलने वाले हैं ना, मज़ा आ जाने वाला है। ये तो हमने डिस्प्ले थोड़े बहुत कर रखे हैं, पर ये तो कुछ भी नहीं है, पूरा महासागर है हमारे पास। वापस शॉप पर आने के बाद घर से फ़ोन आया है कि गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ अभी घर पर, शॉप को कर देती हूँ, बाय बाय।
घर पे गेस्ट आए तो मैं घर पे ही आ गई थी। फिर घर पे आने के बाद कस्टमर के नॉन स्टॉप कॉल आ रहे थे, तो फिर वापस से शॉप पे गई, पर कैमरा घर पर ही था। और हमारे भाई जी ऐसे हैं कि चाबी लगा कर राम जाने किसको देके गए थे घर की, पता ही नहीं चला। दुकान पे भी नहीं थी, मम्मी के पास भी नहीं थी। फिर थोड़े से इरीटेट भी हुई। फिर चिकुन बोला चलो एक बार देखो शॉप पर छोड़ देता हूँ, शॉप पर कस्टमर थे उनको अटेंड किया। कुछ देर पहले ही आई हूँ घर पर, तो अब डिनर की तैयारी कर रहे हैं। डिनर की तैयारी कर ही रही थी कि इतने में चिकुन ने बोला कि यश और यश पीनू विकून ये सब जने आ रहे हैं, तो होटल जा रहे हैं अपन, तो घर का खाना मम्मी और इनका बना दूँ। तो अभी मैं मम्मी पापा का खाना प्रिपेयर कर देती हूँ और हम लोग तो होटल जा रहे हैं। यश और ये लोग तो ऑन द वे हैं, बस हम भी अब गाड़ी लेके ये निकल ही रहे हैं। तो गाड़ी रेडी है, ताकि थोड़े लेट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं उनको। चिको स्कूटी ऐसे कैसे गिर गई, तुमको ध्यान नहीं रहा ना? तो ये सेंसर भी नहीं बजा ना? नहीं बजा, मेरे हिसाब से ले रहा था। स्क्रैच आ गया और कहीं लगी थी घड़ी को ना? ओ देखो बादल आ गए, चांद छुप गया। वो जल्दी जल्दी कर रहे थे, जल्दी जल्दी में पीछे सेंसर ही नहीं बजा, तो गाड़ी थी और मैं चिकू को बोलना भूल गई पीछे गाड़ी है। मैंने भी हालांकि देखी नहीं थी, और किसी ने जिसने भी पार्क की वो बहुत गलत पार्क की थी। लेट ना हो क्यों करके हम निकल गए हैं। नो नो हो रही है अभी, क्या टाइमिंग है, नो 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 टाइमिंग भी जोरदार है। वेलकम सब जनों का मेरे व्लॉग में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यश के व्लॉग्स आजकल आ नहीं पा रहे क्योंकि यश का फोन हो चुका है खराब बड़ी बेदर्दी से, और यूट्यूब की कमाई से बहुत चीज नहीं आने वाली है, बहुत सारे सरप्राइज है। साउंडर को शरीर फोन जो मरवा मेरा फोन देखे गाइस, अरे किसक ने वैदिक बाहर निकल जाता। तुम कल्याणपुर से ही आए हो? ना अभी रजौली। नहीं गैंग जो वसेपुर से नहीं आए हो? बंदूक मांगा था साला। क्या हुआ वैदिक, कौन सा सिर कैसी वो मेरे दिखलाओ क्या तुम? तो हम आ चुके हैं होटल पर यस मार्टी किलर लुक जैसे कच्चा पहन के आ रहे थे, पजामा जबरदस्ती पहना है। तेल रहता है साफ थोड़ी ना करते लो ऑर्डर करते हैं इसी खुशी में यश आज पार्टी करने आया है यहाँ पे। हमारा डिनर आ चुका है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी टेस्टी खाना मंगवाया है। पनीर चिल्ली है, पनीर भुर्जी है, पनीर अंगारा है, क्योंकि उसको लेके नहीं आया। तो यश ने यहाँ पे डांस भी किया है। मेरी बीवी मायके चली गई, वो हमने डाला नहीं है, पर जैसे ये करता है मैं शूट जरूर करूँगी। भाभी जरूर देख के यश की खिंचाई करना। हमारा डिनर हो गया है और मम्मी पापा भी यहाँ पे आ गए हैं, भाभी के वहाँ गए थे छोड़ते हुए आए, सबको बाय बाय बोल दिया है, सब चले गए और पापा की गाड़ी यहीं पर छोड़ के गए हैं। कल आ रहा है कुवैत से सरप्राइज़, यानी सरप्राइज से क्या आ रहा है, कल शिवा दीदी आ रही है, तो कार अर्ली मॉर्निंग उनको लेने के लिए जाएगी और हमको काम से कहीं बाहर जाना है। तो हम दोनों को भी गाड़ी चाहिए थी और वहाँ पर भी गाड़ी जा रही है, तो पापा की गाड़ी हमने मंगवा ली। तो यश और इन लोगों का हमारे साथ इसी बहाने डिनर भी हो गया और हमको वह पापा मम्मी कार देते हुए भी चले गए। भाभी को छोड़ने गए थे पापा मम्मी भाभी के घर पर, और यश यहाँ पर आया था सब दोस्तों के साथ, तो गाड़ी भी अपने पास आ गई। वो लोग भी जा चुके हैं, बस अब सेफली पहुंच जाएंगे तो फ़ोन कर देंगे पहुंच के। यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। क्या हो गया?